वेलकम टू तेज एजुकेशन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, इस वीडियो में सभी प्रश्नों को आप रट डालिएगा। सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है किस नाम से? तो महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी शिक्षा प्रणाली चलाई गई थी, ये सीधे सीधे प्रश्न है। अगर आपको समय कम पड़े तो वीडियो को रोकें, फिर आंसर कमेंट करें। इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो शिक्षा प्रणाली चलाई गई वो है बुनियादी शिक्षा प्रणाली। अगला प्रश्न है कि प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? तो प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य किसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर कराना होता है? तो इसका उद्देश्य होता है नियमित विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए कैसे? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, या विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा? इसका सही जवाब है कि विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे कौन से हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं, न तो इनमें समस्यात्मक बालक ये भी है, और कम गति से सीखने वाले बालक, और मंद बुद्धि वाले बालक। ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इन सभी के इन। ओके, अगला प्रश्न है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है किसके द्वारा? तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा के द्वारा। प्रश्न है कि बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है? तो बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु सबसे कम महत्व रखता है अधिगम का दार्शनिक आधारों के, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु जो विकल्प यहाँ पर उपयुक्त है वो है कि बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, के ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किसमें होता है? तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग होता है छात्र वर्गीकरण में, ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है कि अचेतन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है वाक्य पूर्ति परीक्षणों के, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण कहलाता है स्व संप्रत्यय, ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि रोडसा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? तो रोडसा स्याही धब्बा रखा जाता है प्रक्षेपी तकनीक श्रेणी के अंतर्गत। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है इनमें से रोडसा परीक्षणों के, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि जो अधिक खुला है, मिलनसार है, उद्यमशील है, हसमुख है और काफ़ी आत्मविश्वास वाला है वो कैसा व्यक्तित्व होता है? अंतर्मुखी बहिर्मुखी या फिर अंतर्मुखी बहिर्मुखी या फिर उभयमुखी? तो उसका सही जवाब है कि वह व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी। प्रश्न है कि रोडसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं? तो इसका सही जवाब है 3 कार्डों पर, ओके। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? तो शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही जवाब है क्रैचमर। क्रैचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया है। प्रश्न है कि कौन सा क्रैचमर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? तो क्रैचमर ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और इसने वर्गीकरण जो किया उस पहला बताया पिकनिक, दूसरा एथलेटिक, तीसरा एस्थेनिक। जो वर्गीकरण नहीं है वो है कॉलेरिक, ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही बिल्कुल मिलान किए हुए है? तो इसका सही जवाब है जीन प्याजी विकासात्मक
मनोविज्ञानों के बिल्कुल सही है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है, जैसा कि मैकडूगल ने उल्लेख किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कि युत्सा भय। प्रश्न है कि अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। तो इसका सही जवाब है प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन ए कि व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है, ये प्रश्न गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 24, वेसल आयु किसके मापन से संबंधित है। वेसल आयु किसके मापन से संबंधित है, तो वेसल आयु संबंधित है बुद्धि के मापन से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सके। तो अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT क्यों किया था, तो TAT किया किस लिए, व्यक्तित्व की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है। तो शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है बाल्यावस्था में। प्रश्न है कि मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इद पर आच्छद रखता है, यह क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है मित्रों, क्या कहलाता है, ये कहलाता है दबाव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। तो अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है, तो ये है हैंस आइजेंक के द्वारा प्रस्तावित। प्रश्न है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो इनका वर्गीकरण किया है जुंग ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, तो ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा जो की है वो की है भाई क्रेसमर ने। ओके, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। तो प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है 16 पर्सोनेलिटी फैक्टर। ओके, इसके अलावा सभी प्रक्षेपण परीक्षण हैं। अगला प्रश्न है कि किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रक्षेपण। प्रश्न है कि क्रेसमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो क्रेसमर ने व्यक्ति को वर्गीकृत किया है क्रसकाय, सुडोलकाय, गोलकाय, इन सभी रूपों में। ओके, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। प्रश्न है कि क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व के मापन में। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। तो इनमें सबसे अलग है रेविन का परीक्षण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो रोडसा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन हेतु।